चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू और ढिल्लों की तरफ से आपसी खींचतान हुई और आपस में भिड़ते नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू और बरिंदर ढिल्लों। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेता जो है वो आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू और बरिंदर ढिल्लों आपसी लड़ाई में उलझे हुए नजर आए, खींचतान में नजर आए और आपस में भिड़ते हुए नजर आए। कांग्रेस में क्योंकि लगातार लंबे समय से हम देख रहे हैं कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा कुछ भी, और आपस के जो नेता हैं वो खुद ही उलझे हुए नजर आ रहे हैं। कभी सुनील जाखड़ चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर बयान देते हैं और आपसी जो नेता हैं वो आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आज महंगाई के विरोध में ये पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था और उसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू और बरिंदर ढिल्लों आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि महंगाई जो है लगातार अब बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर पंजाब कांग्रेस पिछले कई दिनों से इसी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी उसी को लेकर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू, बरिंदर ढिल्लों, कांग्रेसी नेता आपस में ही ये दोनों भिड़ते हुए नजर आए, आपस एक दूसरे के साथ उलझते हुए नजर आए, तीखी बहस हुई एक दूसरे के साथ। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और बरिंदर ढिल्लों आपस में भिड़ते हुए नजर आए कांग्रेसी नेता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ तो कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कांग्रेसी नेता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीपक। जी बिल्कुल, कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। आज महंगाई को लेकर जो है पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन था, हालांकि पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश जरूर की गई। तमाम नेता जो है पार्टी के पंजाब से जुड़े नेता वो इस प्रदर्शन में इकट्ठे जरूर हुए, लेकिन गुटबाजी तब सामने देखने को मिली जब नवजोत सिद्धू जब बोल रहे थे और बरिंदर ढिल्लों जो है उनसे भिड़ गए। नवजोत सिद्धू जो है अपना भाषण दे रहे थे और महंगाई को लेकर भाषण दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कहने के कह रहे थे कि जिनके घर से पैसे मिले हैं वो उनके साथ नहीं खड़े, जिसको लेकर जो है बरिंदर ढिल्लों कांग्रेस के नेता है उन्होंने ऐतराज जताया, जिसके बाद दोनों की बहसबाजी हुई और बहसबाजी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ी। और हालांकि तमाम नेताओं ने 20-50 की और सुखचंदर रंधावा पंजाब कांग्रेस के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इतराज जताया और ये कहा कि इन नेताओं ने पंजाब कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं तमाशा बना के रख दिया, जिस तरह से अंदरूनी गुटबाजी है पंजाब कांग्रेस में। और आज महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई थी, प्रदर्शन महंगाई को लेकर था, तमाम कांग्रेस नेता इकट्ठे हुए थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के दो सीनियर नेता आपस में भिड़ते हैं, बहसबाजी करते हैं, उसके कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी जो है फिर से खुलकर सामने आई है कांग्रेस। जी दीपक, क्या बात पता चल पाई है किन बातों को लेकर ये दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, क्योंकि गुटबाजी जो है कहीं ना कहीं पहले से चलती नजर आ रही है और नवजोत सिद्धू जो है लगातार बैठकें कर रहे हैं और तमाम जो पूर्व विधायक और सिद्धता विधायक उनको इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार जो है चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उनको घोषित किया गया था, तब से कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो चलती आ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे जो भूपेंद्र हानी जो है वो पकड़े गए थे, ईडी ने उनके घर से पैसे पकड़े थे और नवजोत सिद्धू आज कहीं ना कहीं कहते नजर आए कि जिन लोगों के घर से पैसे मिले हैं मैं उनके साथ नहीं खड़ा, जिसको लेकर बरिंदर ढिल्लों पंजाब यूथ कांग्रेस के नेता है उन्होंने ऐतराज जताया और ऐतराज जताने पर जो है नवजोत सिद्धू की बरिंदर ढिल्लों से बहस हुई और बहसबाजी धीरे धीरे बढ़ी और तमाम जो पार्टी के बड़े नेता थे चाहे वो सुखिंदर रंधावा हो, प्रताप सिंह बाजवा हो, तमाम नेता मौजूद थे वहां और उन्होंने जो है बीच बचाव करने की कोशिश की और सुखिंदर रंधावा ने यहां तक कहा कि इन नेताओं ने जो है पार्टी का तमाशा तक बना के रख दिया है। बिल्कुल दीपक, ये देखिए, ये तो किसी से नहीं छिपा कि चुनाव के बाद पंजाब कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपस में ही उलझते जा रहे हैं, एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जब आप महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है, इस तरह से विरोध करना और एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आना ये काफी शर्मनाक है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तमाम पंजाब कांग्रेस के अगर बात करें तो पूरे पंजाब से कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए थे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। कहीं ना कहीं एकजुटता जो है फिर से दिखाने की कोशिश की जा रही थी और जिस तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने बोलना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने बात रखी कि मैं जिनके घर से पैसा मिला है उनके साथ मैं नहीं खड़ा, जिसको लेकर जो है परिंदा ढिल्लों ने एतराज जताया, सख्त एतराज जताया, उनसे बहसबाजी करते नजर आए और नवजोत सिंह सिद्धू भी उनसे बहसबाजी करते नजर आए। और बड़े नेता जो है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी और जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार आपको जरा सुनाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू क्या कुछ कह रहे हैं। छोटे भाई तू जो मर्जी बोल रहा है ना, जो गल कही है करूंगा, उठी करू मैं सत्ते महंगाई से बोले सर, मैं महंगाई के खिलाफ बोलिया, मोदी के खिलाफ बोले, सब के खिलाफ बोले, नहीं नाम नहीं मिला, नहीं छोटे भाई नाम नहीं मिले। छोटे भाई तू जो मर्जी बोल रहा ना, जो गल कही उठी करूंगा, उठी करू मैं सत्ते महंगाई से बोले सर, मैं महंगाई के खिलाफ बोलिया, मोदी के खिलाफ बोले, सब के खिलाफ बोले, नहीं नाम नहीं मिले, नहीं छोटे भाई नाम नहीं मिले। छोटे भाई तू जो मर्जी बोल रहा है ना, जो गल कही उठी करूंगा, उठी करू मैं सत्ते महंगाई से बोले सर, मैं महंगाई के खिलाफ बोलिया, मोदी के खिलाफ बोले, सब के खिलाफ बोले, नहीं नाम नहीं मिले, नहीं छोटे भाई नाम नहीं मिले। छोटे भाई तू जो मर्जी बोल रहा है ना, जो गल कही उठी करूंगा, उठी करू मैं सत्ते महंगाई से बोले सर, मैं महंगाई के खिलाफ बोलिया, मोदी के खिलाफ बोले, सब के खिलाफ बोले, नहीं नाम नहीं मिले, नहीं छोटे भाई नाम नहीं मिले। छोटे भाई तू जो मर्जी बोल रहा है ना, जो गल कही उठी करूंगा, उठी करू मैं सत्ते महंगाई से बोले सर, मैं महंगाई के खिलाफ बोलिया, मोदी के खिलाफ बोले, सब के खिलाफ बोले, नहीं नाम नहीं मिले, नहीं छोटे भाई नाम नहीं मिले। छोटे भाई तू जो मर्जी बोल रहा है ना, जो गल कही उठी करूंगा, उठी करू
महंगाई से बोलिया सर, मैं महंगाई के खिलाफ बोलिया, मोदी के खिलाफ बोलिया, सब के खिलाफ बोलिया। नाम नहीं मिला, नहीं छोटे भाई नाम नहीं मिले। छोटे भाई तू जो मर्जी बोल रहा है, मैं जो गल कही है उठी करूंगा, उठी करूं। मैं महंगाई के खिलाफ बोलिया, मोदी के खिलाफ बोलिया, सब के खिलाफ बोलिया। नहीं नाम नहीं मिले, नहीं छोटे भाई नाम नहीं मिले। छोटे भाई तू जो मर्जी बोल रहा है, मैं जो गल कही है उठी करूंगा, उठी करूं। मैं सत्ते महंगाई से बोलिया सर, मैं महंगाई के खिलाफ बोलिया, मोदी के खिलाफ बोलिया, सब के खिलाफ बोलिया। नहीं नाम नहीं मिला, नहीं छोटे भाई नाम नहीं मिले। छोटे भाई तू जो मर्जी बोल रहा है, मैं जो गल कही है उठी करूंगा, उठी करूं। मैं सत्ते महंगाई से बोलिया सर, मैं महंगाई के खिलाफ बोलिया, मोदी के खिलाफ बोलिया, सब के खिलाफ बोलिया। नहीं नाम नहीं मिला, नहीं छोटे भाई नाम नहीं मिले। छोटे भाई तू जो मर्जी बोल रहा है, मैं जो गल कही है उठी करूंगा, उठी करूं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पंजाब कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एमएचएन प्राइम के साथ। चलो यार मैं सियासत करूंगा, गल लोकां दी करके फायदा मैं अपना करूंगा। वेरी गुड पाजी। यार लोकां नूं किवें मूर्ख बनाना सियासत ने मैनूं सिखा दिता, गलती मैं आप कीती, दोष दूजी पार्टी उत्ते ला दिता। इसे नूं सियासत कहिंदे आ पाजी। मैनीफेस्टो तैयार कर लिया, लोकां नूं चन्न ते प्लाट दवाउणे ने, पर उस तों पहलां धरती वाले उहनां दे सारे प्लाट मैं अपने ना कराने ने। सियासतदार नूं प्रॉपर्टी दी समझ भी होनी चाहिए आ पाजी, की पता कदों किहड़ी जमीन दबणी पै जाए। बिल्कुल यार, कनेडा अमरीका दे सुपने दिखा के मैं अपनी सियासत चमकाऊंगा, 2022 दे इलेक्शन तो पहला मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। पार्टी बनाऊंगे जां टट्टू बजाऊंगे? हैं यार क्यों ना, थोड़े कोले पार्टी फंड ना, चट फंड ना, कुट खा।